कमिल यस कमिल गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून बैठ जाए आपने वैक्सीन का शॉट्स लिया हुआ है दोनों जी कोविड के कोई सिम्टम्स तो नहीं है आपके मास्क खोल सकती हैं आप आकांक्षा जी अपना संक्षिप्त परिचय दें। मेरा नाम आकांक्षा है और मैं पटना बिहार की रहने वाली हूँ और अभी बी पी के इंटरव्यू के लिए आप सभी के समुख प्रस्तुत हूँ आपने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है जी टें का एजुकेशन मेरा सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट हाई स्कूल से हुआ है और ट्वेल्थ मैंने संजय गांधी महिला इंटर कॉलेज से किया है और फिर हिस्ट्री में ग्रेजुएशन मैंने सिक्किम नेपाली यूनिवर्सिटी से किया है अवंक आपने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है और बीपीएससी के लिए आपने ज्योग्राफी पेपर लिया है ऐसा क्यों सर मैंने एक दो अटैम्प्ट यू के और एक अटैम्प्ट बी पी का हिस्ट्री को अपना ऑप्शनल बना कर दिया था पर उसमें मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई थी मेंस में तो मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जोग्राफी से एग्ज़ाम दे रहे थे तो उनके नोट्स मैंने पढ़े उनके साथ कुछ डेमो क्लासेस अटेंड करी तो मुझे ऐसा समझने में जोग्राफी में कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई और मुझे लगा कि मैं इसमें अच्छा कर सकती हूँ बट इतिहास में तो आपने दो साल कम से कम पढ़ाई की होगी ग्रेजुएशन हाँ पे। करी थी बट आ, आ, मुझे अच्छे नंबर नहीं आ पाए थे नंबर वही मेन कारण था नंबर अच्छे नहीं आए या कॉन्फिडेंस की कमी थी इतिहास में जी ऐसा तो मुझे महसूस नहीं हुआ कि कॉन्फिडेंस की कमी है बट विभिन्न कारणों से शायद मुझे नंबर अच्छे नहीं है आपने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का नाम सुना है एम पी आई सुना है नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है जी और ये यूनाइटेड नेशंस के तर्ज पर होता है इसमें बिहार को कहा गया है ऑलमोस्ट एट द लोएस्ट लोस्ट रैंक है पॉपुलेशन जो है करीब बावन पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है बिहार में इस खास करके हेल्थ पे एजुकेशन पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये तीन पैरामीटर्स पर जज किया जाता है तो किन कारणों से इतना बड़ा पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन से के पीछे है बिहार में सर बिहार जो है वहाँ पर दो तीन कारण जो हैं जो विभिन्न ये एक चक्र के समान है जहाँ पर गरीबी की वजह से रोजगार बहुत कम है और रोज़गार कम होने की वजह से गरीबी है और बहुत सारे जो ज़िले हैं बिहार के वो कृषि प्रधान है किंतु वहाँ पर बाढ़ग्रस्त होने के कारण वो अपनी कृषि की स्थिति को सुधार नहीं पाते हैं और बहुत सारे जो किसान हैं वो सिर्फ जीवनदायी खेती करते हैं तो इस वजह से वहाँ पर कृषि का स्तर भी उतना ऊंचा नहीं हो पाता है जो कि वहाँ की सबसे मूल अर्थव्यवस्था जिस पर निर्भर करती है और उसके पश्चात वहाँ पर विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूट्स अभी तक बहुत गहरे लेवल पे स्थापित नहीं हो पाए हैं बहुत सारे रोज़गार के साधन अभी तक वहाँ स्थापित नहीं हो पाए हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स या फिर बहुत सारे जो आईटी कंपनीज हैं अभी भी बिहार में स्थापित नहीं हो पा रही हैं तो वहाँ का जो एक बड़ा हिस्सा है उन्हें या तो इतना सक्षम होना पड़ता है कि वो बाहर जाएँ या फिर वहाँ पर उनके पास उचित ऐसे आकलन ऐसे अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं जिससे कि वो अपने जो उनके पास संसाधन है उसके अनुसार अपने स्थिति को बेहतर कर पाए और गरीबी के कारण स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ऊपर नहीं बढ़ पाता है तो सर ये कुछ स्पेशल कारण हैं जिनकी वजह से इसके अलावा भी कई अन्य तथ्य हैं जिनसे बिहार प्रभावित है जिस वजह से बिहार आज पॉवर्टी में काफ़ी नीचे स्तर पर है ये राज्य सरकार ने सात निश्चय किया था 1915 में उसका दूसरा वर्जन अब आया है पार्ट टू आपको लगता है कि जो सात निश्चय की वजह से पॉवर्टी में लेवल पे कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है या होने की उम्मीद है सर सात निश्चय जो है वह निश्चितता उसका जो प्रथम चरण था उसमें काफ़ी हद तक सुधार होने की संभावना हमें दिखाई दी है और इसी वजह से इसका दूसरा चरण बड़े स्तर पर पूरा किया गया है इसमें जो सबसे पहला था जिसमें कि गाँवों को नल जल प्राप्त करवाना था उसमें काफ़ी सुविधा प्राप्त हुई प्राप्त हुई है जिसकी वजह से अभी उसके एक अलग स्तर के विभिन्न निश्चय किए गए हैं कि अब उससे हम एक लेवल ऊपर उठकर कुछ नया अपने लिए करेंगे तो मैं ये नहीं कह सकती कि सारे के सारे जो हैं वो आयाम बिल्कुल ऐसे खड़े उतर रहे हैं जो कि बहुत सारे जो इंडेक्स में हमें आगे बढ़ने मिला है लेकिन ज़मीनी स्तर पर बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जिसकी वजह से बिहार में काफ़ी तरक्की हो रही है और युवाओं के लिए जो विभिन्न प्रकार की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो स्थापित हो रही मान लीजिए स्किल डेवलपमेंट की बात करें बिहार के रूरल परिपेक्ष में तो आपको क्या लगता है कि क्या कदम उठाने चाहिए जिसकी वजह से कि स्किल डेवलपमेंट कारगर हो पाए सर स्किल uh, डेवलपमेंट की निश्चित तौर पे बिहार में थोड़ी कमी है तो इसके लिए मुझे जहाँ तक लगता है कि uh, सर्वप्रथम तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे सेंटर्स स्थापित करने की ज़रूरत है जिससे वहाँ के लोगों को बाहर ना जाना पड़े क्योंकि बाहर जाना और वहाँ का खर्च उठाना काफ़ी मुश्किल होता है यदि आप बिना कुछ कमाए बाहर रह रहे हैं तो आप अपने परिवार पर निर्भर रहेंगे तो वहाँ पर ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन स्थापित करने की ज़रूरत है और बजाय कि ये करने की कि वहाँ पर क्या नए नए आयाम हैं ये कोशिश करने चाहिए कि वहाँ के लोग किस चीज़ में अच्छा कर सकते हैं जैसे कि बिहार के लोगों के विषय में ऐसा कहा जाता है कि वो काफ़ी मेहनती होते हैं और काफ़ी अच्छा करते हैं अगर उन्हें एक उचित मार्गदर्शन मिले तो मुझे लगता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन स्थापित करने की ज़रूरत है आप राज्य सरकार कुछ कर रही है इस दिशा में केंद्र सरकार कुछ कर रही है प्राइवेट कंपनीज भी कर रही है स्किल डेवलपमेंट के ग्रोथ में इस होल प्रोसेस में आप कैसे सुनिश्चित करिए कीजिएगा कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन एक बड़े स्तर पर हो सर जहाँ तक बिहार की बात है बिहार में सर 33% परसेंट आरक्षण प्राप्त है महिलाओं को क्योंकि बिहार में अभी भी महिलाओं का स्तर उतना अच्छा नहीं बन पाया है चाहे वह शिक्षा के रूप में हो या फिर कामकाजी महिलाएं जो हों तो उसके लिए 33% परसेंट जो है आरक्षण प्रदान किया गया है महिलाओं को ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग ले और आगे बढ़े और ऐसे जो बड़े बड़े पद हैं वहाँ पर महिलाएँ हों और उसके अलावा भारत सरकार की यदि बात की जाए तो भारत में भी बहुत सारे महिला सशक्तिकरण के ऐसे योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे कि महिलाओं का निश्चित तौर पर आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर उत्पन्न हो रहे हैं धन्यवाद आकांक्षा आपने कहा महिलाओं के लिए तैतीस प्रतिशत आरक्षण है कहाँ है आरक्षण विधायिका में या कार्यपालिका में सर अभी अभी वहाँ पर अभी तो वहाँ जो है जो मुखिया वाले जो चुनाव होते हैं वहाँ पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण उपलब्ध <laughs> है 50% आरक्षण उपलब्ध है सॉरी 50% तो आपने महिलाओं की शक्ति 17% घटा दी 33 कह के नहीं सर एक्चुअली मैं वो विभिन्न सेवाओं के विषय में बात कर रही थी कि जो बीपीएससी के एग्जाम हो रहे हैं बीपीएससी के परीक्षा में महिलाओं के लिए कितने आरक्षण आते हैं सीट पक्का जी सर जहां तक मेरा अनुमान है ओके okay. अच्छा ये जो पांचवा राष्ट्रीय घरेलू स्वास्थ्य सर्वेक्षण आया है पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण उसमें बिहार की महिलाओं ने शिकायत की है कि घरेलू हिंसा के मामले उनके खिलाफ बहुत ज्यादा हो रहे हैं चालीस प्रतिशत महिलाओं ने ऐसी शिकायत की है जबकि यूपी में उनतीस दशमलव तीन बल्कि पच्चीस प्रतिशत महिलाओं ने ऐसी शिकायत की है हरियाणा में अठारह परसेंट महिलाओं ने ऐसी शिकायत की है बिहार की महिलाएं शिकायत ज़्यादा करती हैं या हिंसा ज़्यादा होती है सर uh, अगर मैं अपने पर्सनल अनुभव से कहूँ जैसा कि मुझे आसपास के लोगों को देखने से पता चला है मुझे ऐसा नहीं लगता सर कि कहीं भी महिलाओं के प्रति हिंसा में कमी या बढ़ोतरी है एक अगर एक आयाम तय किया जाए कि इससे ज़्यादा होता है या इससे कम होता है तो मुझे लगता है पूरे विश्व में जहाँ पर भी इस्पेशली भारत में जहाँ पर भी महिलाओं के प्रति हिंसा होती है वो लगातार बराबर ही होती है वह बस अंतर होता है कि बहुत जगह महिलाओं से रिपोर्ट नहीं कर पाती हैं चाहे वो आसपास के लोगों का प्रेशर हो या फिर समाज में उनकी स्थिति बिहार तो के महिलाएं ज्यादा मुखर हैं जहाँ तक रिपोर्ट के अनुसार तो सर मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ की महिलाएं काफी शिकायत कर रही हैं क्योंकि मेरे हिसाब से घरेलू हिंसा एक बहुत बड़ी ऐसी समस्या है जो जिससे पूरा भारत ऐसी हिंसा मुझे मेरे पर्सनल ख्यालों से या फिर जो भी मैंने अब तक देखा है मुझे ऐसा लगता है कि यह जो है वो बहुत पुराने समय से यह सोच चली आ रही है कि महिलाएं जो हैं वो दोयम दर्जे की हैं बहुत पुरानी अगर आप पूर पुराने लोगों से बात करेंगे तो उन्हें आपको महसूस होगा कि उनके लिए अब भी महिलाओं का एजुकेशन और उनका आगे बढ़ना वो सिर्फ़ एक दिखावा ही है उनको ऐसा लगता है कि अभी भी महिलाएँ जो हैं वो सिर्फ घर संभालने के लिए बनी हैं तो इस तरह की सोच बेशक इसमें बदलाव हो रहा है जो आजकल की पीढ़ी है उसमें बहुत बदलाव कर रही है लेकिन जो इतने समय से चलता आ रहा है तो उसे सुधरने में थोड़ा समय लगेगा ठीक बात है अच्छा ये बताएं उसी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सेक्स रेशी अचानक बहुत ऊंचा हो गया है क्या है बिहार का सेक्स रेशियो उस पाँचवे सर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू तो अभी याद नहीं है एक के आसपास है ओके okay. जो बड़ा सुखद आश्चर्य का आंकड़ा है लेकिन इतना ऊंचा हुआ कैसे सर मुझे जहाँ तक लग रहा है कि शायद जो विभिन्न प्रकार के ऐसे मानदंड मापदंड बनाए गए हैं कि आप यदि गर्भ का आप भ्रूण परीक्षण करवाते हैं उसका सेक्स जांच करवाते हैं तो शायद आपके ऊपर विभिन्न कठोर कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं तो वो कार्रवाइयाँ काफ़ी हद तक अच्छी हो रही होंगी जिससे लोगों को परेशानी हो रही होगी ये सारी चीज़ें नहीं बच्चों का जो सेक्स रेशियो है मतलब जो छह साल से कम उम्र के हैं उनमें अगर देखा जा रहा है तो उनमें अभी भी सेक्स रेशियो कम है मतलब लड़के ज्यादा हैं लड़कियाँ कम हैं तो आ, सर अभी तक तो मुझे यही लग रहा है कि ये जो विभिन्न मापदंड है उनकी वजह से ही लोग जो है अब उनके अंदर ये डर पैदा हुआ है और साथ साथ उन्हें ऐसा कैसा हो सकता है कि वहाँ के पुरुष कमाने के लिए भी अन्य प्रांतों में चले जाते हैं महिलाएं गाँव और रह जाती हैं हाँ सर ये डेफिनेटली एक कारण हो सकता है क्या दूसरा कारण ये भी है कि महिलाओं की आयु पुरुषों से लंबी हो गई है अब जो डेटा प्राप्त हुए हैं उससे तो महिलाओं की एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है अच्छा क्या है महिलाओं की लाइफ एक्सपेक्टेंसी आजकल सर सत्तर के आसपास है और पुरुषों की आ, मुझे जहां तक लग रहा है अगर मैं अनुमान लगाऊ तो शायद सिक्सटी के अराउंड में है सर इतनी हिंसा घरेलू होने के बावजूद महिलाओं की आयु लंबी कैसे होती जा रही है सर इसके तो बहुत सारे कारण हैं और जहां तक मुझे लग रहा है कि इस पर विभिन्न शोध किए गए हैं कि शायद महिलाओं में जो है वो सहने की शक्ति थोड़ी ज्यादा होती है अच्छा या आपको लगता है कि पुरुषों में नशाखोरी ज्यादा इसलिए उनकी आयु कम हो गई है सर नशाखोरी और सबसे ज्यादा जो विभिन्न मानसिक स्तर के जो बहुत सारे शोध किए गए हैं उसमें ऐसा पाया गया है कि पुरुष जो है वो अपने जो भावनाएं है वो दिखा नहीं पाते जिससे उनके अंदर जो है घुटेंसी होती, होती है और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे थोड़ा असर पड़ता है ठीक है धन्यवाद आकर्ष आकांक्षा जी अब क्योंकि आपका नाम आकांक्षा है तो एस्पिरेशन आप में है नीति आयोग एक राष्ट्रीय आकांक्षी जनपद प्रोग्राम चलाता है जी ठीक है उसमें बिहार की क्या स्थिति है सर uh, अभी uh, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता बट मुजफ्फरपुर ने शायद बहुत अच्छा किया है इस एस्परेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में ठीक है क्या अवयव है इसके सर uh, मुझे इसका एग्जैक्ट याद components नहीं कंपोनेंट्स क्या बड़... है जब आप डेल्टा रैंकिंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट के लिए तो उसके बेसिक सबसे पहले हैं। तो वहाँ पर रोजगारों का वो है सर मैं बहुत श्योर नहीं हूँ बट मैं ठीक है आपने आ, शिक्षा का एक मसला उठाया था और बल्कि आपकी जो हॉबी है वो कुकिंग भी है तो यानी कि इससे भी रिलेटेड चीजें हैं ठीक है तो अगर आप वो देखें तो आपके अनुसार मुजफ्फरपुर अच्छा काम कर रहा है ठीक है मुझे ये बताएं कि आप क्योंकि कुकिंग आपकी नेचुरल हैबिट है राष्ट्रीय पोषण अभियान जो मिड डे मील स्कीम के तहत उसमें बच्चों को क्या न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट के हिसाब से भोजन प्रदान किया जाता है सर उनके कैलोरी जो उनकी आवश्यकताएं हैं सबसे पहले तो उस पर ध्यान दिया जाता है और बहुत बार ऐसा होता है कि कैलोरी जो है वो उनका उचित मापदंड नहीं होता है तो बहुत बार उनके जो अन्य आवश्यकताएँ हैं जैसे किस मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स एंड बेसिकली कैलोरीज और प्रोटीन ये दो मुख्य अवयव हैं तो फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक और फिफ्थ से लेके एर्थ स्टैंडर्ड के बच्चों पे ये अलग अलग पैमाने हैं वो पैमाने आपको पता है मानक नहीं सर ठीक है कोई बात नहीं आ, मुझे पता है अभी हाल ही में ओमिक्रॉन के दो सब वेरिएंट डिटेक्ट हुए हैं वो कौन से हैं सर एक तो बीटा है और एक है कप्पा बीटा एंड कप्पा उनके और कुछ नाम हैं सर मुझे नहीं पता है इसके विषय में ठीक है कोई बात नहीं श्रीलंका में जो अभी क्राइसिस है क्या ये शुरुआत भर है साउथ एशिया में या पूरी दुनिया में सर अभी इस प्रकार से कयास लगाना कि यह शुरुआत है मैं पूर्णता तो नहीं कह सकती बस श्रीलंका में जो ये अभी जो घटनाक्रम हो रहे हैं इसकी बहुत लंबी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां ये कह रही हैं कि ये शुरुआत भर है और दुनिया के लगभग 50 से भी अधिक देश इस, इसी तरीके की स्थिति का सामना करने के लिए तैयार खड़े हैं आ, सर तो अभी इसका मुख्य कारण जहाँ तक मुझे लगता है कि कोविड नाइन्टीन की वजह से सभी अर्थव्यवस्थाओं पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है तो अभी अगर हम इंस्टेंट इंडेक्स और ये सारी चीज़ें देखें जो विशिष्ट 2020 और 21 से संबंधित है तो हाँ मुझे ये लगता है कि शायद अभी बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं ऐसी प्रॉब्लम का सामना कर रही हैं बट ऐसा नहीं है कि उनमें ऐसी स्थिति आ जाएगी जैसी कि श्रीलंका में है आकांक्षा मुझे बताएं कि इसमें फ्री बी पॉलिटिक्स का कितना योगदान है सर फ्रीबीज फ्रीबीज दैट मींस पॉपुलिस्ट पॉलिसीज जैसे कि उनको विभिन्न प्रकार के मुफ्त में अनाज देना या कुछ अन्य इस तरीके से घोषणाएं करना या बिजली फ्री करना या कुछ यूनिट तक फ्री करना इस तरीके की योजनाएं सर जहां तक भारत और श्रीलंका जैसे देशों का देशों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ऐसी बहुत सारे सं, जो आ, ऐसी स्कीम्स हैं उनकी आवश्यकता है और ऐसा नहीं है कि आईएमएफ के जो आ, बहुत सारे लोन्स जो श्रीलंका को मिले थे उसमें उनसे इन्हीं प्रकार के बहुत सारे चीजों को कटौती करने को बोली गई थी लेकिन फिर भी उनकी स्थिति में सुधार ठीक है मैं समझ पा रहा हूँ आकांक्षा मुझे बताएं आपकी आ, सर्विस जो प्रायोरिटी है वो क्या है सर डीएसपी डीएसपी मुझे अगर आप किन्हीं तीन महिला आईपीएस ऑफिसर्स को फॉलो करती हूँ बिहार में वो कौन कौन से सर uh, मुझे मैं एक को फॉलो करती हूँ जो नवजोत जी हैं जो उन्हें मैं बहुत मुझे पसंद उसका है। कारण सिविल uh, सर्विसेज में सफलता है या उनका कार्य प्रदर्शन सर सबसे पहले तो उनका महिला होना शायद मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा uh, आकर्षण का विषय है क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से खुद को uh, सबके सामने रिप्रेजेंट करती हैं और जिस तरह से वो अपने पर्सनल लाइफ में उन्हें अगर आप कभी देखेंगे तो वो उनका पर्सनल लाइफ में वो बिल्कुल डिफरेंट हैं और जो उनके सिविल सर्विसेज की ड्यूटीज हैं वो उनमें बिल्कुल डिफरेंट है तो यह संतुलन बना रहना मुझे पर्सनल तौर पे काफी अच्छा। ठीक है मैं समझ आकांक्षा आपने ज्योग्राफी लिया है जी हमें बताएं कि उत्तर बिहार जी भौगोलिक रूप से उत्तर बिहार की क्या समस्याएं हैं और दक्षिण बिहार की समस्याएँ कैसे भिन्न हैं इनसे सर उत्तर बिहार के जो इलाके हैं वो मुख्यतः जो है वह बाढ़ग्रस्त हैं और वहाँ पर आए दिन बहुत ही बड़े इलाके में जैसे कि अभी एक सर्वे के अनुसार पूरे बिहार में उन्नीस ज़िले ऐसे हैं जो कि बाढ़ग्रस्त हैं और उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उत्तर बिहार का है और जहाँ तक हम बात करते हैं दक्षिण बिहार की तो वहाँ पर बहुत सारे जो इलाके हैं वो सूखाग्रस्त हैं एक तरफ जहाँ किशनगंज सबसे अधिक बारिश प्राप्त करने वाला इलाका है उत्तर बिहार का वहीं सब बिहार का सबसे सूखा जिला जो है वो जहानाबाद और अरवल दक्षिण बिहार के हैं तो इनकी जो समस्याएं वो प्राकृतिक तौर पर इस प्रकार से भिन्न है कि एक हिस्सा जो है वो बाढ़ग्रस्त है और एक हिस्सा जो है वो सूखाग्रस्त है क्या समाधान है सर समाधान तो सर्वप्रथम है कि जो विभिन्न प्रकार की नदियां हैं उन पे बहुत ज़्यादा उनके प्रवाह का आकलन करने की आवश्यकता है क्योंकि कोसी जो है वो सबसे ज़्यादा अपने मार्ग को बदलने के लिए जानी जाती है और उसी वजह से बिहार में बहुत बड़े इलाके में हमेशा बाढ़ आती है तो अभी वहाँ पर एक कोसी मेची प्रो आ, योजना भी बन रही है जिससे कि उनके नदियों के पानी को एक दूसरे में वितरण किया जाएगा जिससे कि कोसी की भी समस्या दूर हो सके और दक्षिण बिहार के इलाकों को भी सूखे से मुक्ति प्राप्त हो इसके अलावा भी और कुछ आप सजेस्ट कर सकते हैं इंटरलिंकिंग को छोड़ के सर इसके अलावा है कि बिहार के जो दक्षिणी इलाके हैं अगर हम उनके सिंचाई व्यवस्था पर ध्यान देंगे तो वह मुख्यतः जो है वो नहर वगैरह पर डिपेंड करते हैं जबकि जो उत्तरी बिहार के इलाके हैं वो नलकूप और कुएं से ही अपनी सहायता प्राप्त कर लेते हैं तो उनके लिए आवश्यक है कि जो साउथ बिहार के इलाके हैं वहाँ पर सिंचाई की उचित व्यवस्था हो क्योंकि बहुत ज़्यादा भूमि भूमिगत जल जो है वो नीचा होता जा रहा है तो वहाँ पर सिंचाई के लिए काफ़ी सुधार करने की आवश्यकता है और उत्तरी बिहार में तो सब सर्वप्रथम ज़रूरी है कि वहाँ पर बाढ़ की समस्या को दूर किया जाए तो एक अंतिम प्रश्न आपसे आकांक्षा मान लिया जाए कि आपको बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है सिर्फ दो महीने के लिए और दो महीने के बाद आप छोड़ देती हैं उस पद को पुलिस विभाग में क्योंकि आपकी प्राथमिकता पुलिस विभाग है आप बताएं ऐसा कौन सा दो काम करना चाहेंगी आप मुख्यमंत्री रहते हुए ताकि आपके जाने के बाद भी वो सस्टेनेबल रहे वो चलता रहे वो कार्य सर सबसे पहले जहाँ तक लगता है कि एजुकेशन इंस्टिू, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित करने की है मैं पुलिस है। विभाग की बात कर रहा हूँ अच्छा सर पुलिस विभाग पुलिस विभाग में आ, सर लॉ एंड ऑर्डर सुधारने के लिए आ, बहुत सारे ऐसे कमिटीज़ के गठन की आवश्यकता है जिससे कि जो ये बहुत सारे जो अपराध हो रहे हैं जैसे कि अभी आ, बिहार में शराबबंदी हुई है लेकिन फिर भी हर रोज़ शराब की चीज़ें पकड़ी जा रही हैं तो इसको मजबूत करने के लिए एक ऐसी कमिटी की आवश्यकता है जो कि आकलन करे कि क्या कारण है कि इतने बड़े लेवल पे इसे बंद करने के पश्चात भी ये चीज़ हो रही है और उन कमेटी जिसमें विभिन्न विशेषज्ञ हों वह यह बताए कि ऐसी क्या अब हम नए कार नए जो पहल हैं वो कर सकते हैं जिससे कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर हों और सर दूसरा है कि बिहार में बहुत ज़्यादा विभिन्न प्रकार के अपराध भी देखे जाते हैं तो उन अपराधों के लिए भी बहुत विशेषज्ञों को ऐसा ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब कमेटी तो आपने लंबा प्रोसेस बता दिया आप दो महीने का वक्त है आपके पास कमेटी तो रिपोर्ट देने में ही दो महीने लगा देंगे सर लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से कुछ भी ऐसा करूंगी जो कि क्योंकि मैं किसी भी विषय विशे के विशेषज्ञ नहीं हूं तो मुझे यह जानने के लिए कि आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो कि इतने सालों से काम करने के पश्चात भी अभी तक उसमें जो पर्याप्त सफलता है वो प्राप्त नहीं हो पाई तो ऐसे में विशेषज्ञों का की सहायता लेना मुझे लगता है कि सही है बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा आपका इंटरव्यू समाप्त होता है आप जा सकते हैं थैंक यू थैंक यू आपका प्रथम प्रयास है बीपीएससी इंटरव्यू में जी और कौन सा अटेम्प्ट सेकंड। सेकंड। इसके पहले किसी इंटरव्यू में गई हैं आप नहीं सर किसी में नहीं गई आकांक्षा आप, आप बहुत ही अच्छी उम्मीदवार हैं आप बीपीएससी के लिए वेरी ऑनेस्ट वेरी फोर्थ राइट हैव दैट ऑनेस्टी यू आर योर कम्युनिकेशन स्किल इज ऑल्सो एक्सलेंट थैंक यू और uh, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू आपका रहता है बहुत एम्फेटिकली आप रखने की कोशिश करती है जिसको बेबाक बोलते हैं बेबाक अंदाज रह तो सकता है सॉरी सर आपका, uh, sorry, uh, हाँ, sir, क्या ये गलत है नहीं, या? गलत नहीं ये सही है ये सारा अच्छा है अच्छा लगता है देखिए एक एक व्यक्ति है जिसकी कि अपनी अपनी सोच है अपनी बातों को रख सकती है सामने बातों पर जिक्र हो सकती है कि मैं आपसे सहमत हूँ आप हमसे सहमत ना हो दैट्स अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर बट यू हैव ए व्यू पॉइंट व्यू पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ना ठीक है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू हैव टू बी एक्सट्रीमली बैलेंस्ड है ना बैलेंस होना चाहिए थाट्स में बैलेंस होना चाहिए एक्शन में बिकॉज यू फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटर इज गोइंग टू मेक लॉट ऑफ इम्पैक्ट इज इट तो इसलिए उसको एडमिनिस्ट्रेटर को पेशेंट होना चाहिए पेशेंटली mm -hmm. सुनना चाहिए यो क्या है थॉटफुल होना चाहिए और ट्रुथफुल होना चाहिए इज इट जय सर तो और दूसरा है कि आपको किसी बिना किसी गेस वर्क में नहीं फंसना है आपको गेस करके कुछ नहीं बोलना है आपको आर्ग्यमेंटेटिव नहीं होना है आपको कि आप बेवजह आप उलझ गई हैं बात में आर्गूमेंटेटिव नहीं होना है चीज़ों को समझने की जो एक शक्ति है वो अगर आप में आ जाती है तो बहुत बड़ी क्वालिटी वो होती है जो कॉमन सेंस बोलते हैं जो बहुत कम लोगों में होता है कॉमन लॉट ऑफ कॉमन सेंस वो सारी चीज़ पर काफ़ी अच्छा आपका है सबसे अच्छा है आपका द वे यू एक्सप्रेस द वे यू कम्युनिकेट इज़ वेरी गुड वेरी कुछ चीज़ है जिसको थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप लोग को थोड़ा बचना चाहिए लाइक okay. like, महिलाओं पर हिंसा आपने अच्छा इमोशनल ये दिया कि हाँ महिलाओं पर ये हो रहा है अत्याचार वो हो रहा है पर जब फैक्ट सामने आता है ना कि 44 फोर परसेंट ट्वेंटी टू परसेंट थर्टी थ्री वट इट इज जब फैक्ट सामने आता है इट इज़ आल्सो बेस्ड ऑन सम रिसर्च इट तो वो रिसर्च पर अगर कहा जाता है कि फलाना स्टेट में ज़्यादा है डेकाना स्टेट में कम है देर टू बी सम रैशनल फॉर देट मस्ट है तो देयर यू हैव टू बी स्लाइटली डिप्लोमेटिक इन योर आंसर्स इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नहीं साहब वो तो महिलाओं का हर जगह वही हालत है बिहार में मुखर हैं और जगह मुखर नहीं है उसको थोड़ा सा बैलेंस्ड थोड़ा रखिए सर uh, तो एक क्वेश्चन है कि मैं इसमें क्या जवाब दे सक आप जवाब ये दे सकते हैं कि अगर ये अध्ययन किया गया है तो अध्ययन पर किया गया है तो मैं इसको क्वेश्चन नहीं करती हूँ मेरा अपना मानना है कि महिलाओं पर अत्याचार किया जाता रहा है और बिहार में अगर हो रहा है ये खुशी की बात है कि बिहार की महिलाएं आगे आ रही हैं और इसका ये कर रही हैं मतलब सेम फैक्ट्स इन डिफरेंट वे अच्छे डिफरेंट हाँ, वे समझ रहे हैं ना ताकि ये ना लगे कि नहीं साहब वो तो और सब स्टेट तो गलत कर रहे हैं सिर्फ बिहारी सही कर रहा है वो नहीं होना चाहिए समझ रही हैं ना? है तो एक डिप्लोमेट का एक सही क्वालिटी वो होता है कि आप उसमें जाना चाह रही हैं तो टेम्परामेंटली एकदम अपने को बैलेंस्ड रखिएगा बहुत कूल रखे क्योंकि आप अच्छा बोलती हैं अच्छा बोलने में बेवजह कुछ इतना ना बोल जाइए कि बाद में आपके लिए मुश्किल हो जाए कि उसको हम कैसे सर तो मुझे थोड़ा स्लो चलना है थोड़ा सा थोड़ा सा थॉटफुली जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए सोच लीजिए एक मिनट मतलब आधा तीस सेकेंड बीस सेकेंड सोच लीजिए कलेक्ट कर लीजिए अपने थाट्स को उसके बाद आप प्रायरटाइज़ करके उसको बोले तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा बिकॉज गिफ्ट ऑफ द गैप जो आपके पास है ना बोलने की शक्ति वो बहुत अच्छी है बहुत बेबाक अंदाज है वो बहुत अच्छा है वो चीज़ क्वालिटी आपने बस इससे बचना है आपको दूसरा पर्सनल एक्सपीरियंस की बात तभी कीजिए जबकि की बहुत ही ज़रूरत हो कई दो बार आपने कहा मैंने मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है जिसकी वो आप उसको अपने आर्गुमेंट को बट्रेस करने के लिए सपोर्ट करने मतलब के लिए अपने आर्गुमेंट को बहुत ज़्यादा हाँ जोर तूर, नहीं तूर देना देने की जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा कि पर्सनल एक्सपीरियंस इन ऑल दैट जनरल उसको रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा वो आपको और अदरवाइज बहुत ही ईमानदारी आप में है बेबाकी है आप में है ऑनेस्टी ऑफ पर्पस है आप में आप व्यू पॉइंट्स भी आपके हैं मतलब तो यू आर फॉर व्यू पॉइंट्स तो एक कॉन्फिडेंटली आप बोलती हैं विच इज़ वेरी गुड कॉन्फिडेंटली बोलिए आप और और, बट स्टे काम एंड कूल आई स्टेंग काम एंड कूल बी कॉन्फिडेंट बहुत जरूरी है और एज ए स्टडी एट द वेरी ऑट स्टेट नेवर गेट इन टू एनी आर्गमेंट विध एनी बोर्ड मेम्बर्स नेवर इंटर इन टू द एरिया ऑफ गेस्ट वर्क कभी मत कोई गेस्ट कीजिए अगर आपको जानकारी हो तभी बोलिए नहीं है तो आप नो बोल दीजिए ठीक है ना जस्ट जनरल बात मैं कह रहा हूँ वैसे आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है तो आप में सारी क्वालिटीज़ है हम लोग चाह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा नंबर लाएं इसमें Thank you, बस sir. दो तीन चीज़ों का ध्यान रखिएगा तो यू विल बी डूइंग वेरी वेल विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू